नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, मंत्री जी की क्लास जीएसटी पर। और आजादी के बाद शायद ये देश पहली बार इतने बड़े कर में बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। सीट बेल्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके मन में जो सवाल है, जो कारोबारियों के मन में सवाल है या फिर सवाल है आम लोगों के मन में, उन सबका यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। हमारे साथ खास मेहमान जो आज शामिल हो रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं लेकिन जीएसटी की क्लास ले रहे हैं। यानी ये सरकार कैसे कमर कस चुकी है कि हर मंत्री आपके सामने सीधे सवालों का सामना करने के लिए, आपके सवालों का जवाबदेह बनने के लिए पहल कर रहा है, और उसी पहल में ये कड़ी आप देख रहे हैं। और शायद इस तरह से आज तक ने कभी आयोजित नहीं किया है कार्यक्रम जिसमें हम सीधे अपने दर्शकों के फोन कॉल्स लेंगे, क्योंकि ईमानदारी से सवाल होंगे, ईमानदारी से जवाब मिलेंगे, तभी देश एक कर, एक देश, एक मार्केट की तरफ समृद्ध होकर आगे बढ़ पाएगा। जो अन्य खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमने एक्सपर्ट्स के पूरे पैनल को बुलाया है सरकार की तरफ से, एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी साउथ के सचिन जैन जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। हमारे साथ रमन अग्रवाल जी जो कि चेयरमैन है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के, वो इस पूरी चर्चा में शामिल रहेंगे। वेद जैन साहब टैक्स एक्सपर्ट, मतलब आप कैसे प्लानिंग करें, क्या तैयारी करें, इसका पूरा हमने इंतजाम किया। अंशुमान तिवारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ, जो कि बिजनेस की हर चीज को, आर्थिक नीतियों को बड़े करीब से देखते हैं, समझते हैं, और उन सब पर अपने नजरिए से आपके सवालों को यहां संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर जी आपके पास आते हुए, 30 जून के लिए सबने सीट बेल्ट लगा लिया है। अब पता है कि आधी रात को बड़े ही पैमाने पर आपकी सरकार बेल बजाकर पूरे एक घंटे के सेशन के साथ पार्लियामेंट में आप इसको देश में लागू कर रहे हैं। अब बताइए सर कि मेरी जिंदगी में क्या बदल जाएगा 1 जुलाई से, और जीएसटी के जरिए बेसिक सवाल जो लोग पूछा जाए, जीएसटी क्या है, क्या बदलाव आप देश में ला रहे हैं, कैसे सुविधाएं पहुंचेंगी, कैसे आप लोगों को समझाएंगे? प्रकाश जी, दुनिया भर में विकसित देश जीएसटी का अमल कर चुके हैं। अपने देश में पिछले 40 साल से इसकी प्रतीक्षा थी, वह प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है। जीएसटी में भारत प्रवेश कर रहा है। ये देश के लिए, ग्राहक के लिए, व्यापारी के लिए, उत्पादक के लिए, निर्यातक के लिए, आयातक के लिए, हर एक के लिए ये लाभकारी है। और अभी आज देखो, आज कितने टैक्सेस देता है राज्य में, वैट देता है, फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, वो जो दूसरे टैक्सेस है वो देता है, परचेस टैक्स होता है, ऑक्ट्राय होता है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी होती है, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है, एडिशनल ड्यूटीज कस्टम की हो, एक्साइज की हो, वो होती है, एक्साइज है, सर्विस टैक्स है। तो इतने सारे मल्टीपल टैक्सेशन थे, उसका एक टैक्स बन गया जीएसटी। और मैं पहले ही कहना चाहता हूं कि ये कोई नया कर नहीं है या अधिक कर नहीं है, ये सभी जो कर थे उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि अब एक ही कर भरो, छुटकारा पाओ, शांति से जियो, आराम से सो जाओ, अच्छा व्यापार करो, ईमानदारी से करो और शांति से सो जाओ। ये नई कहानी है जीएसटी की। इसमें बड़ी सबसे उपलब्धि है कि सभी राज्य सरकारें, और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, क्योंकि कर लगाने का उनका अधिकार और केंद्र का अधिकार दोनों ने जीएसटी काउंसिल में निहित किया। और जीएसटी काउंसिल सभी राज्यों के अर्थमंत्री उसके सदस्य है। उसमें एक नियम था कि कुछ भी मुद्दा अगर विवाद का उठे तो 75% वोटिंग जहां होगा वो रेजोल्यूशन पास होगा। लेकिन अरुण जेटली जी ने कुशलता से इसका ऐसा संचालन किया, इतनी मेहनत की, इतना संवाद किया कि इसके कारण सारी कानून, उसकी परिभाषा, नियम और प्रत्यक्ष करों के दर, ये सभी एक राय से तय हुए। इसमें 6 कांग्रेस के राज्य है, 2 कम्युनिस्टों के राज्य है, 1 ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, 1 नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री है, लेकिन अनेक और बाकी एनडीए के राज्य है। सब होने के बावजूद भी सबने एक राय से बनाया। ये भारत कैसा महान देश है ये दिखाने वाली ये बात है। ये संघ राज्य व्यवस्था का विजय है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लास्ट एक बात, इसमें होगा क्या, सामान्य जनता के लिए फायदा एक होगा कि उसके रिसीट पर सीधा मिलेगा कि जीएसटी इतना, 4-4 कर नहीं होंगे तो एक कर होगा, जीएसटी इतना लगा मालूम है, उसका ट्रैकिंग है। यह आईटी एनेबल्ड टैक्स रचना है।
तो हर एक कोई जो ट्रांजैक्शन 1 जुलाई से होगा वो ट्रैक होगा और उस पर कर होगा। करों की चोरी ये अब इतिहास जमा हो जाएगी, करों की चोरी नहीं होगी, पूरा पैसा लोक कल्याण के लिए सरकार के खजाने में आएगा। क्योंकि आज ग्राहक से वसूला जाता है लेकिन वहां जाता है कि नहीं सरकार में, ये लोगों को डाउट था। अब जो पैसा ग्राहक से लिया वो सब जाएगा और व्यापारियों को या किसी को नुकसान नहीं है, क्योंकि जितना प्रामाणिकता से व्यवहार करना है बस शांति से सोना है। हाँ। और एक गुड्स को जो ऑक्ट्राय के लिए रुकना पड़ता था, फ्री फ्लो होगा, एक मार्केट होगा सारी, इवन एक्सपोर्ट के लिए भी, ये देश की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा, हमारी निर्यात बढ़ेगी, इतने बहुत सारे फायदे हैं। हाँ। आम आदमी के लिए सबसे बड़ा फायदा है कि अनेक वस्तुओं के दाम कम होंगे। ठीक है, जो कि कैसे कम होंगे, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा आज सभी टैक्स मिलकर एक वस्तु पर अगर 14% टैक्स होता है तो अब वो 12% होगा, तो कम हुआ। 81% वस्तुओं पर 18% से भी कम टैक्स होगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ को जोड़कर आपने जीएसटी कर दिया। अब सवाल ये है कि ये 30 जून पहुंचते पहुंचते विपक्ष क्यों धमकाने लगा आपकी सरकार को? नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं कि हम सेशन ही बॉयकॉट कर देंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इम्प्लीमेंटेशन में सर, इम्प्लीमेंटेशन को लागू करने में शुरू, ये तो पहले तो कोई बीजेपी का और कांग्रेस का और ये किसी पार्टी का विषय ही नहीं है, देश को आगे बढ़ाने का विषय है। और इसमें कैसे विपक्ष भी पीछे हटेगा, क्योंकि उनके ही वित्त मंत्री भी थे, उन्होंने सबने तैयार किया हुआ है, ये सबकी अमानत है, ये कहां पार्टी का राजनीति का ये विषय ही नहीं है, ये देश के तरक्की का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे विपक्षी दल वो निश्चित रूप से देश हित चाहते हैं, इस पर कोई किसी का मतभेद नहीं हो सकता और इसलिए सभी शामिल होंगे। चलिए, करों की चोरी खत्म हो जाएगी, काला धन खत्म हो जाएगा, ऐसा ही नोटबंदी के पहले भी प्रकाश जी कहा गया था। और कहा किया, आज जो भी पैसा वापस आया बैंकों में किसने कितना भरा वो समझ में आया, अब उसकी जांच भी हो रही है, जिसने बहुत ज्यादा भरा, जिसने खुद का भरा उसको कोई तकलीफ नहीं। देखिए ना, एक बार टीवी देखिए आप, नीचे जो हम ग्राफिक्स लगातार चला रहे हैं, पिज्जा का दाम तो घट जाएगा 200 से 196-196 के आसपास हो जाएगा, साबुन समझ लीजिए सर जो 30 में था वो 47 में। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसको आम आदमी के एंगल से, ये गलत है। कुछ हमारे यहाँ जीएसटी कमिश्नर है वो भी बताएंगे कि ऐसी स्थिति नहीं है, इतना कहीं मार्क डिफरेंस नहीं हो रहा है कुछ। और जीएसटी काउंसिल है जो निर्णय लेने के लिए अगर एक आध चीज में बहुत दिक्कतें लगी तो अनुभव के आधार पर कोई भी बदलाव करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को है, वो सबका है भाई। ये देश का टैक्स प्रणाली है, देश को आगे बढ़ाने के लिए है। मतलब आप ओपन है इसके? ओपन बिल्कुल होते ही है, आने वाले वक्त में हम वो करेंगे। अब मैं आपके पास सचिन जैन जी आना चाहती हूँ, उसके बाद हम सभी लोग इस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। और आप भी अगर इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप भी डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, लगातार हम फोन नंबर नीचे फ्लैश कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यापारी हैं उनके भी फोन कॉल्स हम ले रहे हैं और जो आम लोग ग्राहक जीएसटी को आने वाले वक्त में उनके सामने होगा वो भी सवाल पूछ सकते हैं। जैन साहब, आपसे मेरा सवाल है कि हम कंज्यूमर के एंगल से तो बातचीत करेंगे ही क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कितनी तैयार है सरकार, कितना तैयार है व्यापार, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए कुछ आंकड़े अगर आप बता सकें कि क्या कितने ट्रेडर्स अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं, कितने हैं जिनको करना है, आखिरी के अब ये 3-4 दिन बचे हैं, 30 जून की रात तक क्या क्या चमत्कार हो जाएगा और क्या क्या चमत्कार नहीं हो पाएगा, उसके बाद मुश्किलें, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर लोगों को लग रहा है बहुत बड़ी दिक्कत ना है। आपने दो विषय के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, पहला विषय है कि कितनी तैयार है सरकार एंड दूसरा है कितना तैयार है व्यापार। सबसे पहले सरकार की तैयारी के विषय में आपको मैं बता दूं, सरकार ने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कमर कसी हुई है, सरकार के सभी मंत्रालय विशेष रूप से वित्त मंत्रालय ने हर संभव एफर्ट्स किए हैं, हर संभव कार्य किए जा चुके हैं, सारी कमिश्नरेट फॉर्मेशंस में आ चुकी हैं, जीएसटी की कमिश्नरेट सभी फॉर्मेशंस में आ चुकी हैं, सभी फाइलों का ट्रांसफ़र एक दूसरे विभागों में किया जा चुका है। और साथ साथ जहाँ तक आपने बताया कि कितने लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा करीबन 64 लाख से ज़्यादा जो हमारे जो डीलर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं। और इसमें अभी जब लास्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जब निर्णय लिया गया तो ये भी डिसाइड कर दिया गया है कि जिनके पास प्रोविजनल आईडी जो मिला है दैट वुड बी टेकन एज, उस प्रोविजनल आईडी के बेसिस पर ही वो अपने व्यापार को कर सकते हैं। तो अब उनको किसी और नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन या जीएसटी की आवश्यकता नहीं है,
उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर, प्रोविजनल आईडी के बेसिस पर वो अपना व्यापार कर सकते हैं। और जो दूसरी, जो कितना तैयार है व्यापार, सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बिंदु जो जीएसटी का है वो ये है कि जीएसटी के अंदर दो अवधारणाएं रखी गई हैं। एक जो थ्रेशोल्ड लिमिट, मीन्स जो भी व्यापारी जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस थ्रेशोल्ड के अंदर हमारे जितने भी छोटे व्यापारी हैं, जितने भी फुटकर व्यापारी हैं, उनका वो लोग अधिकतर इस दायरे में आ जाते हैं। कितने व्यापारियों को अभी रजिस्टर करना बाकी है? हाँ, 3 दिन के टाइम में। देखो मैं बता देता हूँ, जो हमारे पास जो आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं उसके अनुसार करीबन 13 से 17 लाख के आसपास जो व्यापारी हैं जिनको फर्दर रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट है। और ये विंडो कल से खोली जा चुकी है और ये विंडो रजिस्ट्रेशन की विंडो कंटिन्यू करेगी। कोई भी व्यापारी जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, ऑनलाइन विंडो है, इस विंडो में हम एक समय में जितने मर्जी एप्लीकेशन हो हम लोग उनको एड्रेस कर सकते हैं। एक बताऊं कि 30 तारीख के बाद भी जिसका रजिस्ट्रेशन का विंडो खुला है और पहला रिटर्न जो भरना है उसके लिए भी 2-3 महीने का समय दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में एकदम तुरंत कुछ सारे ट्रैक्स बदलना है, लेकिन एक निश्चित है कि 1 तारीख से जो भी ट्रांजैक्शन होगा, खरीद बिक्री होगी, वो ट्रैक होगी और उसको जीएसटी लागू होगा। तो ये बेसिक बदलाव 1 तारीख से होगा, लेकिन प्रक्रिया को सुलभ करने के लिए जितना मौका देना चाहिए, जितना शिक्षण प्रशिक्षण देना चाहिए, जितनी भी किसी की आशंका है उसका जवाब चाहिए, वो सब मिलेगा। क्योंकि ये कोई छुपा कर करने की बात है नहीं, ये तो खुली देश के तरक्की के लिए सबने लिया हुआ एक साथ निर्णय है, इसको अमल में लाएंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, अंशुमन जी आपके एक सवाल के साथ मैं जाना चाहती हूँ। जल्दबाजी की है क्या आपको, जल्दबाजी दिखती है? प्रकाश जी ने देखिए, जीएसटी जितना आसान बताया जा रहा है, प्रकाश जी भी सहमत हैं, सचिन जी भी सहमत होंगे, बाकी लोग भी सहमत होंगे कि उतना आसान है नहीं। और इसमें दो तरीके के सवाल हैं जो लगातार व्यापारियों के दिमाग में और अंदर आ रहे हैं। एक सवाल कंसेप्चुअल लेवल का है और एक ऑपरेशनल लेवल का है। कुछ सैद्धांतिक स्तर की चुनौतियाँ हैं जिन पर प्रकाश जी ने कहा, जैसे ये पूरे देश में एक टैक्स है व्यवहारिक रूप से नहीं है, हमारे पास 3 जीएसटी हैं, एक सेंटर का जीएसटी है, एक स्टेट का जीएसटी, एक इंटर स्टेट जीएसटी, वो नहीं एक एक है, हम ना एक टैक्स रेट भी नहीं है, हमारे पास 3% से लेकर 40% स्लैब्स हाँ। तो आदर्श रूप से जीएसटी की जो संकल्पना थी वो 12% की थी। तो पहला तो जो कंसेप्चुअल लेवल का सवाल है वो सवाल हमें ये स्पष्ट होना पड़ेगा। दूसरा जो ऑपरेशनल लेवल के सवाल है, जो हम सचिन जी से जानना चाहेंगे और जो शायद हर व्यापारी जानना चाहता है सचिन जी, कि पिछले साल सरकार ने कहा था कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाएगी जिसमें सारे के सारे एसएससीज जो वैट और एक्साइज में रजिस्टर्ड हैं वो अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे जीएसटी नेटवर्क के ऊपर। वो प्रोसेस नहीं चला और फिर लोगों को इंडिविजुअली माइग्रेशन के लिए आना पड़ा और उस माइग्रेशन के कारण सारे के सारे जो एग्जिस्टिंग 80 लाख के आसपास है, 84 लाख के आसपास एसईसीज थे, वो 1 जुलाई से पहले माइग्रेट नहीं कर पाए। आप समझ गए होंगे, जितनी भी चिंता किसी कारोबारी की हो सकती है, देश में किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, क्योंकि इस बात को समझना होगा एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ये देश बढ़ रहा है। और इसीलिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, आखिरी के 3 दिनों में भी क्या किया जा सकता है, कैसे चिंताएं आपकी खत्म की जा सकती है, इसीलिए आज तक ने ये इंतजाम किया है। प्रकाश जावड़ेकर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंत्री जी की क्लास, अभी बहुत सारे सबक बाकी है, मंत्री जी की मास्टर क्लास, जी हाँ, जो देश में आज तक नहीं हुआ वो हो रहा है, जीएसटी लागू हो रहा है, ऐतिहासिक है, गेम चेंजर इसे सरकार बता रही है, यानी खेल बदल जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? और अगर ये ऐतिहासिक है तो हम भी शायद पहली बार आज तक पे आपके लाइव फोन कॉल्स ले रहे हैं ऐसे विषय पर जिस पे आप सीधे मंत्री जी से सवाल पूछ सकते हैं। बहुत कम ऐसे मुद्दे होते हैं और मंत्री जो सीधे सवाल लेते हैं लोगों के, इसे इस मौके को मत जाने दीजिए हाथ से। अगर जीएसटी पर कोई भी दुविधा आपके मन में है तो बेहतर कैसे ये देश के लिए लागू हो, उसी के लिए ये तमाम हमने यहाँ पर इंतजाम किए। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा आगे लिए चलते हैं। हालांकि अनिल जोशी जी इम्फाल से थे रमन जी, जिन्होंने ब्रेक के पहले एक फोन किया था और पूछा था कि ये फर्स्ट पॉइंट टैक्स है या फिर एंड पॉइंट, उस पर कैसे समझाएंगे? देखिए, टेक्निकली अगर पूछे तो ये फर्स्ट पॉइंट टैक्स है क्योंकि कलेक्शन उस पर होता है, टारगेट कंजम्पशन बेस्ड है। तो ये जो एक उनका सवाल आ रहा है, क्योंकि ये सेल टैक्स रेजिम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चलता था कि फर्स्ट पॉइंट देना है लास्ट पॉइंट, इसमें समझने वाली बात ये है कि टैक्स किस भी पॉइंट पर हो आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा, आप जो नेट टैक्स पे करेंगे
जितना आपने उसमें वैल्यू एडिशन किया है उस पर टैक्स देना है, बाकी का आपको क्रेडिट देना है। सो ये जो है ये जीएसटी का सबसे अहम मुद्दा है जो शायद लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए एक माहौल बन गए, लोग सोच रहे कि पता नहीं सब कुछ महंगा हो जाएगा, लेकिन अगर हम इनपुट क्रेडिट को फैक्टर इन करें तो सिनेरियो काफी बदल जाता है। ठीक है प्रकाश जी, ये जो सवाल अंशुमन जी का था ये कई लोगों के मन में है कि सरकार ने कहा एक कर एक देश एक बाजार। अब सर सिंपल में तो बोले तो जीएसटी तीन है ना, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड, जब दो और फिर स्लैब्स चार हैं आपने जो टैक्स के रख दिए हैं, तो सर मतलब आम आदमी चार नहीं वैसे पांच है, पांच तो ये मतलब कैसे लोगों को कैसे अफेक्ट करेगा और कैसे एक कर की तरफ कहां बढ़ेगा? ऐसा है, एक नए व्यवस्था में हम जा रहे हैं जो पारदर्शिता लाएगी और सभी ट्रांजैक्शंस को मैप करेगी, ये मुख्य बदलाव है। हमें बदलाव क्या है ये समझना चाहिए, करों के दरों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। आज सब चार टैक्स देकर अलग अलग रेट में दे रहे थे तो सबकी टोटल अगर 14% आ रही है तो अब 12% लगेगा, कम हो रहा है। जहां 11% दे रहे थे वो 12% होगा तो 1% बढ़ेगा, इतना ही फर्क है। टैक्स के रचना में मूल फर्क रेट्स में नहीं है, रेट्स नजदीक के स्लैब में दिया है, लेकिन जहां जहां बढ़ेगा सर मार्क किस पे नहीं, लेकिन कम भी होगा ना तो 81% चीजों पर 18% जो सभी विपक्ष की भी मांग थी उससे कम ही रेट है, तो इसमें किसी को अब दुविधा नहीं है। सिर्फ समझने की बात यह है कि ये जो हिसाब जो होगा वो पहले ट्रांजैक्शन से होगा और आखिरी बिक्री तक, उत्पादन से बिक्री तक हर मुकाम पर उसका टैक्स होगा। और ये जैन साहब भी है और देखिए ना सर, टीवी भी महंगा, टीवी भी महंगा हो रहा है, 30 से 31,200 हो रहा है, वॉशिंग मशीन भी महंगा हो रहा है, मैं कंज्यूमर सर जो घर पे बैठा है वो तो सोचेगा कि जीएसटी से तो बड़ा फायदा होने वाला था। मैं मंत्री जी के पॉइंट को, टीवी दौड़ दौड़ के खरीद रहे हैं सर कि अभी तो कम 12% बाद में 24% हो जाएगा तो बहुत महंगा हो जाएगा। नहीं मैं थोड़े पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जो आप कह रही हैं वो आइडियलिस्टिक सिचुएशन थी जब हमने 2005 में सोचने की कोशिश की थी। देखिए वन कंट्री वन टैक्स इज वन आइडियल मॉडल विच वॉज थॉट अबाउट इट, लेकिन जब 1950 में हमने भारत का संविधान बनाया तो हमने इंडिया को यूनियन बनाया और फेडरल बनाया और सब स्टेट को पावर दी अपने अपने टैक्सेस कलेक्ट करने की, और सेल्स टैक्स जिसे कहते थे बाद में वैट बना वो हमने उनको पावर दे दी। जब हमने उनको वो पावर दे दी तो आज की डेट में जब 1991 के बाद भारत का लिबरलाइजेशन मॉडल शुरू हुआ, इकॉनमी एक श्रिंक करने लगी, सारी वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी एक जगह आने लगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हुई तो लगा कि ये मल्टीपल टैक्सेस जो स्टेट लगाती हैं अपने अपने फार्मूले लगाती हैं अपने अपनी तरह से टैक्स लगा के मूवमेंट में दिक्कत करती है तो ये देश की अर्थव्यवस्था को आज की डेट में एक बाधा बनेंगे। हाँ। उसको लाने के लिए कोशिश की गई वन कंट्री वन टैक्स। तो दो मुद्दे मेन थे, एक तो टैक्स रेट एक कर दूं और एक टैक्स को एक जगह ले आऊं सारे यूनियन के अंदर, सभी 31 स्टेट को एक जगह पे लाना अपने आप में एक मैराथन एक्सरसाइज थी। ये सब तो आप प्रोसेस समझा रहे हो, मान लिए लेकिन 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 आपको एक बता रहा हूं, एक मिनट मैं वही बता रहा हूं, एक टैक्स माने एक वस्तु पर एक ही टैक्स होगा, नहीं देखिए लेकिन एक वस्तु पर दो टैक्स नहीं होंगे, नहीं नहीं वंजना एक वस्तु पर एक ही टैक्स होगा, ये आइडियल होता अगर भारत जो अनाज है जो गरीब वस्तु खरीदता है उस पर 0% है या मैक्सिमम 5% है। हाँ, तो ये नया टैक्स नहीं है, जो आज की विद्यमान टैक्स है उसमें थोड़ी कमी हो रही है, यानी इसका फायदा सभी लोगों को मिलने वाला है और इकोनॉमी भी ग्रो करती है, ये एक दूसरा फायदा है। लेकिन एक वस्तु पर एक ही टैक्स है, एक देश में एक टैक्स का मतलब ये नहीं कि सभी वस्तुओं पर एक टैक्स, एक वस्तु पर एक टैक्स। हाँ तो करेक्ट है, नहीं वो तो मैं डिवीजन के लिए एक्सप्लेन करने लगा, थोड़ा एक मिनट बैठ, एक सुन लीजिए, क्योंकि प्रोसेस अब छोड़ दीजिए सर, अब तो इंजन ऑन कर दिया उन्होंने प्लेन का। मैं बता रहा हूँ, देखिए टैक्स रेट 18% लगाया गया, उसके दो हिस्से कर दिए गए, 9% SGST और 9% CGST, तो हर जगह जो 12 है उसका 6 और 6 ये आपस में डिवीजन किया गया, टैक्स 18 रखा 12 रखा एक गया, 5 रखा तो 2.5 ही आएगा, 28 है तो 14 जाएगा, ये दोनों का डिवीजन है। और जो आप कह रहे थे एक टैक्स के बारे में, जो बात कर रहे थे कि एक टैक्स रेट के बारे में, अगर कंट्री डेवलप्ड नेशन हो और सबकी कैपेसिटी टू बियर टैक्स बराबर की हो तो फिर टैक्स रेट बराबर का आ सकता है, जो आइडियल 12 या 16 बन सकता था, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, बहुत सारी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है और एक बहुत सारी पॉपुलेशन बहुत एफ्लुएंट है, तो कुछ जरूरी चीजें जो सबको बराबर की कंज्यूम होती है उनसे बराबर का टैक्स लेना मुश्किल हो जाता, तो इसीलिए ये एक साधन चुना गया।
अदरवाइज तो क्या था, फिर आप अगर 12 रखेंगे तो फिर 5 वाले को भी 12 में लाना पड़ेगा, 0 वाले को भी 12 में लाना पड़ेगा, वो गलत वो। और जैसे नोटबंदी के वक्त भी देश ने क्यों साथ दिया था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जो कालाधन छिपाते थे उन पर ये प्रहार है, तो इस बार भी ये भी टैक्स चोरी, कर चोरी नहीं कर पाएगा। वी वेयर ए नॉन टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी टू ए ग्रेट एक्सटेंट, तो इंस्टेड ऑफ दैट नाउ इट विल बी ए टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी। तो जैसे नोटबंदी के इसमें काले धन पर बेईमानी पर चोट थी, यहां भी बेईमानी पर चोट है। और मुझे खुशी है कि व्यापारी और उत्पादक सभी समझ के आ रहे हैं, क्योंकि सब आराम से नींद लेना चाहते हैं। ये और इसी का है, ये रास्ता है कि शिक्षा मंत्री ने जो बीच में अंग्रेजी में कहा, दरअसल बता रहे थे कि इस देश में कर चोरी बड़े करते हैं हम, और इसीलिए उसको डिप्लोमेटिकली थोड़ा सॉफ्ट करके इन्होंने कह दिया कि नॉन कंप्लायंट सोसाइटी है हम टैक्स के मामले में। लेकिन अब ट्रेडर्स के सवाल लेंगे सर, और शिक्षा मंत्री आपके सामने हैं, अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, वहां पर उनके साथ कई इसी तरह के ट्रेडर्स मौजूद हैं, और ऐसे ही कारोबारी सुजीत हमारे सहयोगी के साथ पटना से इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले अभिषेक आपसे शुरुआत करते हैं, क्या सवाल है जो वो सीधे पूछना चाहेंगे प्रकाश जी से? बिल्कुल अंजना, हम इस वक्त लखनऊ में हैं और पूरा लखनऊ का व्यापार मंडल यहाँ मौजूद है, तमाम कारोबारी हैं, कई शंकाएं हैं इनकी और कई इनके सवाल हैं। मैं इन लोगों से सीधा पूछता हूँ कि क्या शंकाएं और क्या सवाल हैं, ये बताइए कि सवाल पूछिए सीधा, क्योंकि हमारे साथ मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वहां मौजूद हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। जावड़ेकर जी शिक्षा मंत्री हैं, एक टैक्स एक नेशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इससे पब्लिक को रिलीफ मिलेगा, शिक्षा पे ही सवाल उठा लें। शिक्षा पे चार तरीके का टैक्स उन्होंने थोप दिया है, पेंसिल, रबर, कटर, कॉपी इत्यादि चीजें, स्कूल बैग पे 18% टैक्स की दर है, किसी किसी वस्तु पे स्टेशनरी में 28% की दर है। वो बैठ करके तो कह सकते हैं मैंने आसान कर दिया, एक खुदरा व्यापारी जो काम करता है जिस तरीके का, वो कंट्री का सिनेरियो बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से गांव तक हमारा कारोबार है, उस तरीके से गांव देहात का व्यापारी एक ही तरीके की वस्तुओं में जब व्यापार करता है और वो स्टेशनरी का व्यापार इसका जवाब लेते हैं। पहले ये समझना चाहिए कि जिसको जीरो टैक्स था वो नहीं बढ़ा है, शिक्षा के स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन शिक्षा जो 15 लाख स्कूल है, जो 40,000 कॉलेजेस है, जो 800 यूनिवर्सिटीज है, उस पर टैक्स नहीं है। अब ये स्टेशनरी जो खरीदते हैं वो तो उसको पहले भी टैक्स था, तो वो टैक्स कोई सेल्स टैक्स था ही, तो बाकी भी टैक्स एक्साइज वगैरह पेपर जो था उसको लगता ही था, तो ये जो लगता था वो इकट्ठा करके एक रेट बताया है, कोई रेट बदलाव नहीं हुआ, अनेक जगह कम भी हुआ है। और मेरे साथ 3 विशेषज्ञ है, हमारे एडिशनल कमिश्नर भी है, फेडरेशन के अध्यक्ष भी है, तो वो भी बताएंगे जोड़ेंगे कि ये कोई एडिशनल 18% कोई टैक्स नहीं लगा है कहीं से, ये तो पहले जो कर थे उसी को इकट्ठा करके ये कर प्रणाली बनाई। लेकिन इस पर मैं आप दोनों से छोटा छोटा जवाब चाहती हूँ, उससे पहले कि अभिषेक के बाद फिर जाएं, कि कई ऐसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी भी आई, जैसा कि आपने कहा सर ने कि हम ओपन रहेंगे, देश है हमारा, कर है उसमें सुधार, इन चीजों का आपने पहले क्यों नहीं ख्याल रखा? जैसे स्कूल बैग है, जैसे सैनिटरी नैपकिन है महिलाओं के लिए, ऐसी चीजों पर बहुत ज्यादा परसेंटेज टैक्स बढ़ जाना उनकी कीमतों में इजाफा करता है, जो कि कभी भी हिंदुस्तान जैसे एक प्रगतिशील देश में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। देखिए अभी जो टैक्स के जो दर है और जो वर्तमान में जो टैक्स की दर है और जो भविष्य में टैक्स की दर होंगी उनके संदर्भ में अगर हम बात करें, तो वर्तमान में भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की वजह से, वैट की वजह से, और उनके बहुत सारे इनपुट्स ऐसे होते थे जिनके ऊपर, या इनपुट सर्विसेज ऐसी होती थी जिनके ऊपर वो सर्विस टैक्स पे करते थे, तो अल्टीमेटली उनके ऊपर जो टैक्स इंसिडेंस जो पड़ता था वही उसी को कैलकुलेट किया गया। एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें सभी तरीके के टैक्स जो उनके ऊपर शामिल होते थे, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ऑक्ट्रॉय उनके ऊपर लगता था, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सर्विस टैक्स जो वो पे करते थे, उन सारे के सारे जो टैक्सेस को कैलकुलेट किया गया, उस टैक्स इंसिडेंस को कैलकुलेट किया गया फॉर एवरी ईच एंड एवरी आइटम, एंड देन उसके बाद देखा गया उसको कहां पर प्लेस किया जा सकता है, सो दैट कि उसके ऊपर टैक्स की दरों में बढ़ोतरी ना हो, और यथासंभव प्रयास किया गया कि वो वर्तमान स्तर पे रहे। सुजीत पटना से जुड़ रहे हैं, सुजीत कोई व्यापारी वहां से अगर सवाल करे।
लेकिन अगर हम बेंच खरीदते हैं बिल्कुल अंजना, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और सबको उत्सुकता है जीएसटी के लागू होने के, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार एक कंज्यूमर स्टेट है और यहाँ इसका लाभ मिलेगा। पूछते हैं सवाल, आपके पास क्या सवाल है संजय गोयनका जी? आप बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के हैं, तो आपका क्या सवाल है मंत्री जी से? मंत्री जी से एक सवाल ये है कि टैक्स का रेट जो है पूरे हिंदुस्तान में हर आइटम पे एक ही रहता है, जो जीएसटी का यही प्रावधान था, लेकिन उसमें अभी भी क्लॉज दे रखा है कि टैक्स का 2% वेरिएशन कोई भी स्टेट कर सकती है, तो उसके कारण वो टैक्स का डिस्टॉर्शन होता है तो बिजनेस को बहुत फर्क पड़ता है। तो इंडस्ट्री के लिए वो कैसे मंत्री जी अश्योर कर सकते हैं कि टैक्स की रेट कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज नहीं? क्या हुआ था सेल्स टैक्स के जमाने में, इसमें एक एंटी प्रॉफिटिंग का क्लॉज अलग अलग सुजीत जवाब बता रहे हैं प्रकाश जी। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, तो महाराष्ट्र में एक टैक्स है, गुजरात में एक टैक्स है, दमन दीव में अलग ही टैक्स है, सिलवासा में अलग है, गोवा में अलग है, तो एक अनफेयर कॉम्पिटिशन होती थी, और इसलिए ये सोचा है कि लेकिन अब इतना सब कुछ राज्य छोड़ने को जब तैयार नहीं होते, तो जो वेरिएशन का क्लॉज रखा है उसको, ये ज्यादा एक्सपर्ट्स है वो बता सकते हैं, लेकिन सिंपल लॉजिक है इसकी कि सबको एक मंच पर लाकर एक राय पे लाना है, तो आपको पहले साल कुछ आप ऐसी चीज करते हो कि जो आने वाले दिनों में खत्म भी होगी और पूरा एक टैक्स रहेगा, यह होने वाला है। ये बात हाँ सर, देखिए क्या है कि जो सवाल लखनऊ से भी था और पटना से था, उसमें एक बात समझने की है, ये सब ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर अपने सिर्फ वैट को देख रहे हैं, जो पुराना सेल टैक्स का रेट हो रहा था, उनको ये समझने की जरूरत है कि जो अभी जीएसटी है उसके अंदर बहुत सारे टैक्स का समावेश किया गया है, और ट्रेडर को आमतौर पर ये पता नहीं होता है कि इसके पीछे कितनी एक्साइज ड्यूटी लगी है, कितना और टैक्स लगा है, और डिफरेंट स्टेट में कंपटीशन था टैक्स रेट के बारे में कुछ आइटम के ऊपर, कि किसी ने अपनी स्टेट में अपने आइटम को पॉपुलराइज करने के लिए रेट को कम किया हुआ था, किसी ने ज्यादा किया, तो जब जीएसटी काउंसिल में सवाल आया तो कहीं ना कहीं वो एक एवरेज आउट वर्कआउट किया गया, एवरेज आउट वर्कआउट किया। इस पर और भी बहुत दिलचस्प बातें हैं जो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले पुणे हैं, पुणे से कपिल हैं जो एक सवाल पूछना चाहते हैं। कपिल पूछिए सवाल अपना। हेलो, पूछिए। हाँ जी सर, नमस्ते। एक्चुअली मुझे एक सवाल था, अभी जैसे मेरा एक होम लोन चल रहा है और मैंने अभी तक पूरा पैसा अभी तक बिल्डर को दिया नहीं है, जैसे डिमांड लेटर के हिसाब से मैं पैसा दे रहा हूँ, तो पहले मैं अभी तक सर्विस टैक्स और वैट 7% दे रहा था, तो लेकिन अभी जीएसटी की वजह से आई हैव टू पे 12%, विच इज अ सडन राइज फॉर मी, हाउ विल आई डू दैट? जैन साहब आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसा कहीं भी भाई 7% दे रहे थे एकदम 5% बढ़ाए, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे अभी जैन साहब बता रहे थे कि हम वो बिल्डर को कितने टैक्स दे रहा है, वो हमारी कीमत में कितना टैक्स का इंसिडेंस उसके कीमत में ही था, वो हम सब कैलकुलेट नहीं कर रहे, वो फाइनल जो एक सेल्स टैक्स या उस राज्य का कर होगा वही हमारे दिमाग में बैठता है, लेकिन वो सही नहीं है। मैं भी सरकार को और जीएसटी काउंसिल को, जीएसटी सेक्रेटरीट को कहूंगा कि वस्तुवार एक टोटल टैक्स का इंसिडेंस कितना था और अब जीएसटी में कितना है, ऐसा एक चार्ट बना के दे दो एक 100 चीजों का, तो लोगों के दिमाग में यह साफ हो जाएगा। आप बता सकते हैं जैन साहब? आपका प्रश्न है कि रियल एस्टेट में खासतौर पर जब आप मकान खरीदते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी की दर का क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटी की दर कंस्ट्रक्शन के लिए 12% रखी गई है, मगर आपको जो कंस्ट्रक्शन करने वाले जो डेवलपर हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको पहले जिन चीज़ों का क्रेडिट अलाउ नहीं होता था, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होता था, खासतौर पे सीमेंट का, लोहे का, जो कि उनकी कॉस्ट की एक बहुत बड़ी मात्रा होती, बहुत बड़ा परसेंटेज होता था, उनके ऊपर अब उनको क्रेडिट मिलने लगेगा, तो उस क्रेडिट की वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो ओवरऑल कॉस्ट विल कम डाउन और वो प्रॉफिट पास करेंगे कंज्यूमर को। हाँ, वो एक एंटी, वो कैसे इंश्योर होगा सर? अभी उसके ऊपर भी एंटी प्रॉफिटेरिंग गवर्नमेंट ने जो मैं एक और इसी संदर्भ में एक भविष्य बता दूं, अभी सरकार ने इस विषय में एक प्रेस रिलीज इशू किया था कि इस तरीके के केसेस में अगर किसी भी केस में ये पाया गया कि उन लोगों ने उस कॉस्ट को कम होने को पास ऑन नहीं किया, तो एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। एंड इसकी जो कैलकुलेशन है, मुझे लगता है कि शायद लोगों के मन में धारणा है कि एंटी प्रॉफिटेरिंग में कैलकुलेशंस कैसे की जाएंगी, वो कोई एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, बिकॉज
आज की डेट में जो उसके ऊपर इंसिडेंसेस ऑफ टैक्स की वजह से जो कॉस्ट ऐड हो रही थी, जो कि वो पास ऑन नहीं कर पा रहा था, उस वो अब पास ऑन करने की वजह से जो उसमें गेन उसको हुआ है, वो बेसिकली गेन है जो कि सिंपल से सिंपली कैलकुलेट किया जा सकता है। कंज्यूमर के नजरिए से एक सिंपल सवाल आप तीनों से मैं पूछूं, जो लोगों के मन में गुजर रहा सोच रहे होंगे इस कार्यक्रम को देख के। पहला सवाल आपसे शुरू करते हुए रमन जी, रोटी कपड़ा और मकान क्या क्या महंगा हो रहा है? मकान अगर जुलाई में आप शुरू हो जाएगा, अगर मैं उसके बाद मान लीजिए अक्टूबर में नवंबर में फ्लैट लेना चाहती हूँ, कीमत घटेगी बढ़ेगी? एकदम सॉलिड आंसर मिलना चाहिए। देखिए ये तो रेट पर आप डिपेंड कर लीजिए, आप स्टडी कर लीजिए उसको, रेट में इस पर दिमाग में नहीं है इसका। लेकिन मैं एक दो बातें आपको मैं क्लियर कर दूँ। देखिए ये व्यापारियों के मन में बहुत सारे ये जो डाउट आ रहा है, जैसे आपने CGST, SGST, IGST, ये एक नॉमनक्लेचर है, टैक्स एक ही है। वो एक आपस में बांटने का तरीका है कि कितना स्टेट को जाएगा कितना सेंटर को जाएगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कंज्यूमर के लिए रेट एक ही है, एक ही टैक्स है, वो सरकार ने एक इंटरनल प्रावधान बताया जो जैन साहब भी बता रहे थे कि कितना स्टेट को जाएगा कितना सेंटर को जाएगा। आपका उत्तर आप अक्टूबर में ले लीजिए, आपको थोड़ा कम ही कीमत लगेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। सर कपड़ा भी कपड़ा नहीं, ऐसा है देखो, खुले में ये चाय मैं आपका आज तक का पी रहा हूँ, तो चाय खुले में भी मिलता है, पैकेट में भी मिलता है, ब्रांडेड में मिलता है, तीनों की कीमतें आज भी आप अलग अलग दे रहे हो, तो तीनों की कीमत अगर अलग अलग दे रहे हो पसंदी से तो टैक्स भी थोड़ा अलग अलग होगा उसमें कोई। अंजना जी, मैं आपको रोटी कपड़ा मकान तीनों के एग्जांपल देता हूं, जल्दी से बताइए भाई। एक मिनट में मकान के बारे में आपको सिंपल बताता हूं। देखिए क्या है, मकान में आज की डेट में दो टैक्स लगते थे, एक वेट लगता था, एक सर्विस टैक्स लगता था। वो लगभग हमारे हिसाब से कैलकुलेशन करके 9-9.5% आता था, और अब आएगा नया रेट 12%, और 12% जो रेट आएगा वो लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट पे आएगा। अगर लो कॉस्ट के जो मकान है, हाउसिंग है, क्योंकि उसमें इनपुट बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैवी होती है कंपोनेंट की, तो वो कंपैरेटिवली आपको एडवांटेज आएगा। लेकिन हाई एंडेड वैल्यू के प्रोजेक्ट मकान खरीदेंगे उसमें थोड़ा सा महंगाई आएगी, तो आप 3,000, 5,000, 4,000 स्क्वायर फुट का खरीदेंगे तो गेन आएगा। मध्यम वर्ग के लिए घर सस्ता होगा, थोड़े रईस लोगों के लिए कपड़े के बारे में, कपड़ा के बारे में बात प्रकाश जी को सूट करती थी, तो उन्होंने तुरंत कहा कि ये बात तो मैं ही बोलूंगा। कपड़े का सवाल था आपका, जल्दी से कपड़े के अंदर आपका कहना है कि क्लोथ के ऊपर 5% टैक्स आया। अगर आप रेडीमेड गारमेंट खरीद रहे थे पहले, तो उसके ऊपर तो टैक्स पहले वेट दे रहे थे, तो वहां तो कोई महंगाई नहीं आएगी। और जो रही आपकी बात रोटी की सवाल रही, तो कब कुछ आपके चावल को उस पर टैक्स नहीं आएगा, लेकिन ब्रांडेड आइटम खरीदेंगे तो जरूर आपको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। जल्दी से बाद में नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि हम उसी पे वापस लौट रहे हैं जहाँ से लोग सवाल उभर कर आ रहे हैं। प्रकाश जी, ये बात सैद्धांतिक रूप से आप सही कह रहे हैं कि एक टैक्स पर ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको छोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसमें सिर्फ एसी लग जाएगा तो उसे 18% टैक्स हो जाएगा, और विदाउट एसी रेस्टोरेंट पे 5% टैक्स रहेगा। सिर्फ एसी कैसे डिनोमिनेटर हो सकता है सर्विस का, और 5-स्टार होटल पे 28%? आज मेनू में चाय की कीमत नॉन एसी रेस्टोरेंट में मेरा सवाल समझ लीजिए। देखिए टपरी पर जो चाय लेते, जो चाय हम ढाबे पर लेते, जो चाय हम एक चाय की दुकान में लेते यानी पीने का, और जो 5-स्टार में लेते, तो आज ही उसके अलग अलग कीमतें हैं भाई, कोई नई चीज थोड़ी ना हो रही है। लेकिन तो उसी मात्रा में कर है, लेकिन और आज जो कर है उससे कहीं भी ज्यादा नहीं है, एक्चुअली बहुत जगह कम ही है। चलिए ठीक है, प्रकाश जी की इसी बात के साथ एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। सरकार लेकर आ रही है सबसे बड़ी कर क्रांति, तो क्या करना होगा आपको ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि अब तो जहाज टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। 30 जून की रात से इस देश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, उसी पर चर्चा हो रही है। रमन जी, आप दो पॉइंट जल्दी से बोलना चाह रहे थे फाइनेंशियल। मैं फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में दो पॉइंट है जो मैं सचिन जी की नजर में भी लाना चाहूंगा। सर देखिए, एक तो लीज जो है, लीज एक ऐसा टूल है दुनिया भर में, चाहे आप एसएमई फाइनेंसिंग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली लीज इस करंट टैक्स रिजीम में भी उस पर भारी मार थी, लेकिन जो जीएसटी बना है उसमें एक ऐसा प्रोविजन लगता है कि जो कॉस्ट एसेट मैं खरीदता हूँ उस पर भी मुझे केवल 50% इनपुट मिलेगा, ऐसा लॉ के अकॉर्डिंगली समझ में आता है। वो एक देखने वाला मुद्दा है, क्योंकि लीज को प्रमोट किया। और दूसरी बात है कि हम जब पैसा ब्याज पर देते हैं, लोगों को लोन देते हैं, तो अगर वो लोन देने में देरी है
तो वो जो एक पेनल्टी इंटरेस्ट या डिलेड पेमेंट होता है वो सर्विस टैक्स में एग्जेम्प्ट था, लेकिन जीएसटी में उस पर जीएसटी लगा दिया। प्रकाश जी वक्त बहुत कम है, दो लाइन में समरी बताइए। अब दो लाइन में समरी मैं यही बताऊंगा, एक नई कर प्रणाली देश के फायदे के लिए, हर एक के फायदे के लिए आ रही है और इसका हमें स्वागत ही करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में 36 पॉलिटिकल पार्टीज आज संसद में है, लेकिन सबने मिलकर अगर ये टैक्स बनाया है तो इसकी अहमियत समझनी चाहिए। लोक कल्याण के लिए इससे ज्यादा पैसा मिलेगा, एक पारदर्शिता आएगी, हर ट्रैक होगा और इससे गरीब का और देश का सबसे फायदा होगा, खासकर आयात में वृद्धि हमारी होगी, दुनिया में साख बनेगी और दुनिया का निवेश भी आएगा। तो मुझे लगता है कि ये देश में एक बहुत निर्णायक परिवर्तन जो करना चाहिए था, देरी सही लेकिन हो रहा है, हम स्वागत करें। और हर नए बदलाव को कुछ लोगों के मन में आशंकाएं रहती है, कुछ विरोध लगता है, थोड़ा टीदिंग ट्रबल होता है, लेकिन बच्चे को दांत आते हैं तो थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन बाद में उसका कितना जीवन अच्छा बनता है। तो यही कहानी है जीएसटी की। तो उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी की मास्टर क्लास से कर क्रांति में क्या आपको करना है थोड़ा सरल हुआ होगा। ये सीरीज आज तक पर हम जारी रखेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक।